किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले उसकी मशीनरी के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। सेम इज फॉर आयुर्वेदा। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज का हमारा टॉपिक ऐसी ही एक मशीनरी के बारे में है, जो कि है कैप्सूल फिलिंग मशीन। बिफोर प्रोसीडिंग, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स प्रेजेंट है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैप्सूल फिलिंग मशीन क्या होती है, कैप्सूल फिलिंग मशीन की कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है और कैप्सूल्स को कैसे फिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैप्सूल फिलिंग मशीन की कंस्ट्रक्शन। तो इट इज़ अ हैंड ऑपरेटेड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो हैंड ऑपरेटेड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन होती है, उसके पार्ट्स होते हैं, गिवन पार्ट्स हैं, फर्स्ट है अ बेड विद 200 और 300 होल्स, सेकेंड अ कैप्सूल लोडिंग ट्रे, थर्ड अ पाउडर ट्रे, फोर्थ अ पिन प्लेट हैविंग 200 और 300 पिन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ होल्स इन बेड एंड कैप्सूल लोडिंग ट्रे, फिफ्थ अ लेवर, सिक्स्थ अ हैंडल, सेवन्थ वन एंड द लास्ट वन इज अ प्लेट फिटेड विद रबर टॉप। तो ये सभी पार्ट्स होते हैं कैप्सूल फिलिंग मशीन के। ऑल दी पार्ट्स ऑफ मशीन इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये सभी के सभी स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। मशीन्स आर जनरली सप्लाइड विद एडिशनल लोडिंग ट्रेज, बेड्स एंड पिन प्लेट्स विद वेरियस डायमीटर ऑफ होल, सो एज टू फिल डिजायर्ड साइज ऑफ कैप्सूल। कि जिस साइज़ की भी हमें कैप्सूल फिल करनी होती है, उसी साइज़ का हम बेड, ट्रे और पिन प्लेट्स लेते हैं। दीज मशीन्स आर वेरी सिंपल टू ऑपरेट, कैन बी ईजीली डिसमेंटल एंड डिसम्बल्ड। इन मशीन्स को बहुत ईजीली ऑपरेट किया जा सकता है। इवन एन अनस्किल्ड वर्कर कैन फिल कैप्सूल विदाउट मच डिफिकल्टी। इसकी वर्किंग देखी जाए तो इसकी वर्किंग दिखते हैं अब। एम्प्टी कैप्सूल्स आर फिल्ड इन टू लोडिंग ट्रे विच इज देन प्लेस्ड ओवर बेड। सबसे पहले जो एम्प्टी कैप्सूल्स होंगी उनको लोडिंग ट्रे में फिल कर दिया जाएगा, फिर उस लोडिंग ट्रे को बेड के ऊपर रखा जाएगा। बाय ऑपरेटिंग हैंडल बॉडीज ऑफ कैप्सूल आर लॉक्स एंड कैप सेपरेटेड इन लोडिंग ट्रे इटसेल्फ विच इज देन रिमूव बाय ऑपरेटिंग लेवर। कि ऑपरेटिंग हैंडल की हेल्प से जो कैप्सूल की बॉडी होती है, उनका कैप होता है, वो सेपरेट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है लिवर से। लिवर की हेल्प से वेट अमाउंट ऑफ ड्रग्स बी फिल्ड इन कैप्सूल्स इज प्लेस्ड इन अ पाउडर ट्रे ऑलरेडी कैप्ट इन पोजीशन ओवर बेड। कि जो भी वेट अमाउंट है ड्रग्स का जो फिल करना है कैप्सूल को, पाउडर ट्रे में फिल कर दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी बेड के ऊपर रखा है। स्प्रेड पाउडर विद हेल्प ऑफ पाउडर स्प्रेडर सो एज टू फिल बॉडीज ऑफ कैप्सूल यूनिफॉर्मली। कि स्प्रेड पाउडर की हेल्प से, पाउडर स्प्रेडर की हेल्प से पाउडर को स्प्रेड किया जाता है कैप्सूल की बॉडीज के ऊपर, ताकि वो यूनिफॉर्मली फिल हो पाए। कलेक्ट एक्सेस ऑफ पाउडर ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ पाउडर ट्रे, लोअर स्पिन प्लेट एंड मूव इट डाउनवर्ड सो एज टू प्रेस पाउडर इन बॉडीज। कि जो पिन प्लेट्स होती हैं उनको लोअर किया जाता है, नीचे किया जाता है, ताकि जो पाउडर है वो प्रेस हो जाए पूरी तरीके से, यूनिफॉर्मली कैप्सूल में फिल हो जाए। रिमूव पाउडर ट्रे एंड प्लेस कैप होल्डिंग ट्रे इन पोजीशन। पाउडर ट्रे को रिमूव किया जाता है और कैप होल्डिंग ट्रेज को, जो पाउडर ट्रे है उसकी पोजीशन पर रखा जाता है। प्रेस कैप विद द हेल्प ऑफ प्लेट विद रबर टॉप एंड ऑपरेट लेवर टू अनलॉक कैप एंड बॉडी कैप्सूल्स। रिमूव लोडिंग ट्रे एंड कलेक्ट फिल्ड कैप्सूल्स इन ट्रे। ये पूरा मैकेनिज्म था कि कैसे कैप्सूल मेकिंग मशीन वर्क करती है। कि जब जो 200 होल की मशीन होती है, इट इज़ अबाउट 5000 कैप्सूल पर आर फिल्ड। कि 200 होल की मशीन तो 5000 कैप्सूल्स पर आर फिल्ड करती है, और जो 300 होल की मशीन है वो 7500 कैप्सूल्स पर आर फिल्ड करती है। ऑन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वेरियस टाइप ऑफ सेमी ऑटोनॉमस एंड ऑटोमेटिक मशीन्स आर यूज्ड। दे ऑपरेट ऑन सेम प्रिंसिपल विद ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन, पाउडर और
ग्रैन्यूलेटेड प्रोडक्ट्स फिल्ड इनटू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। सेम प्रोसीजर होता है इनका भी, सेम प्रिंसिपल होता है जो मशीन्स लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर वर्क करती हैं। विद एक्सेसरी इक्विपमेंट्स पैलेट्स और टैबलेट्स अलॉन्ग विद पाउडर्स कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल्स। डिपेंडिंग अपॉन मेक एंड मॉडल ऑपरेटर एंड टाइप ऑफ मटीरियल टू बी फिल्ड अ मशीन कैन फिल 9,000 to 1,50,000 कैप्सूल्स पर आर। की डिपेंड करता है कि कैसी कैप्सूल फिल करनी है, कैसा उसका मॉडल है, कैसा ऑपरेटर है, कैसा मटीरियल है जो हम फिल कर रहे हैं। तो उन बेसिस पर एक मशीन 9,000 से 1,50,000 कैप्सूल्स पर आर फिल कर सकती है। द प्राइमरी रीज़न ऑफ फिलिंग ड्रग्स इन कैप्सूल इज़ टू अवॉइड ऑडियर एंड टेस्ट ऑफ ड्रग्स। जो कैप्सूल होता है उनको, उनमें ड्रग्स फिल करने का एक प्राइमरी रीज़न ये है कि कई लोग जो होते हैं वो किसी को ऑडियर से प्रॉब्लम होती है, किसी को ड्रग्स के टेस्ट से प्रॉब्लम होती है, तो कैप्सूल में वो एक रीज़न है जो अच्छा होता है कि भाई कैप्सूल में ना तो ऑडियर आती है कोई, ना कोई टेस्ट आता है और ये ईजीली कोई भी ले सकता है। Whole aim is lost even if a small amount of drug remains sticking outside capsule. कि ये पूरा aim जो है, जो audio taste नहीं आने का, वो lost हो जाएगा अगर थोड़ी सी भी amount में drug जो है वो capsule के outside पर stick होगा। Therefore, all capsule whether filled by hand and machine must be thoroughly clean. कि चाहे मशीन से बनी हुई, चाहे मशीन से भरी हुई हो कैप्सूल, चाहे हैंड से भरी हुई हो कैप्सूल, उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैप्सूल कैन बी क्लीन बाय वाइपिंग ईच कैप्सूल विद सर्जिकल गॉज और क्लीन क्लोथ। जब एक स्मॉल क्वांटिटी में कैप्सूल फिल करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से एक सर्जिकल गॉज या क्लीन क्लॉथ के थ्रू वाइप किया जाता है हर एक कैप्सूल को। On a large scale, they can be rolled lightly in folds of clean towel or cloth forward and backward clean. कि large scale पर जब capsule बनाया जाता है तो उसको एक clean towel के ऊपर forward और backward fold कर दिया जाता है, उससे वो clean हो जाती हैं। Still another method is to rotate or shake gently the capsule with granular sodium chloride contained in container. Then sticking sodium क्लोराइड रिमूव्ड बाई रोलिंग दैम ऑन अ क्लीन क्लोथ सर्फेस। कि इसका एक अनदर मैथड है जो ड्रग्स स्टिक रह जाते हैं उसको हटाने का, कि जो भी हमारे कैप्सूल हैं उसको ग्रैनुलर सोडियम क्लोराइड के साथ में शेक कर दें कंटेनर में, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो स्टिक होकर रोल, जब रोल होगा साफ कपड़े पे तो वो सारा ड्रग रिमूव कर देगा। देन क्लीन capsules may be polished by rolling them in towel which has been previously sprinkled lightly with liquid paraffin. This gives very good shine to capsules. को एक अच्छा shine देने के लिए paraffin add किया जाता है। अब ये एक diagram है जो instrument है capsule filling machine का, इसमें different different parts दिखाई दे रहे हैं। Thank you for watching our video. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Also let us know in the comment box कि ऐसे और कौन से topics हैं जिन पे हम आपके लिए video बना सकते हैं।